सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब ईडी के बाद सीबीआई भी हरकत में आ चुकी है। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार अब सीबीआई हरियाणा के फरीदाबाद में सुशांत के पिता और उनकी बहन का स्टेटमेंट दर्ज कर सकती है। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर को लेकर सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार पपलू का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप हम लोगों के समझ में आया था, जितनी भी जानकारी मिली थी हमने FIR दर्ज में करवा दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जांच करे या जो भी एजेंसी जांच करे, ईडी अपनी जांच कर रही है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया है, हम लोगों को भरोसा है कि जांच में सब कुछ बाहर निकल आएगा और दोषी जेल जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की दूसरी शादी का आरोप लेकर सुशांत सिंह राजपूत के चाचा प्रोफेसर देव किशोर सिंह ने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, उनकी एक ही शादी हुई थी, उनकी दूसरी शादी तो हुई ही नहीं। उन्होंने बताया कि हमारे सबसे बड़े भाई राम किशोर सिंह, जो नीरज कुमार बबलू विधायक के पिताजी हैं, उन्होंने दो शादी की है और सुशांत के पिता की शादी एक ही हुई है। ये सब जाँच को गलत तरीके से घुमाने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जहां पर आज ईडी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है, तो वहीं खबर सामने आई है कि रिया के परिवार के बाद अब सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह से भी ईडी पूछताछ करेगी, मनी ट्रेल में जांच करेगी। संदीप सिंह से पूछ जाएंगे सवाल कि आखिर वो सुशांत की प्रॉपर्टी, उनके अकाउंट्स के बारे में कितना जानते थे, रिया और सुशांत का रिलेशन कैसा था, सुशांत रिया से मिलने से पहले कैसे थे या रिया सुशांत के मिलने से पहले किस तरीके से अपना खर्चा करती थी, ये सारी बातें अब होगी संदीप सिंह से। जहां पर बताया जा रहा है कि जितने गुनहगार रिया चक्रवर्ती है उससे कई ज़्यादा गुनहगार संदीप सिंह है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की जो 50 सिमें चेंज हुई थी, जो नंबर्स चेंज हुए थे, उन सब के नंबर्स लोगों तक बांटे थे ताकि सुशांत को हर बार धमकी मिलती रहे और धमकियों के साथ वो डर जाए पूरी तरह से। ऐसा इल्ज़ाम संदीप सिंह पर भी लगा है और ऐसी खबरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि संदीप सिंह ही वो शख्स था जिसने सुशांत के हर एक नंबर की सीरीज़ को लीक किया और रिया चक्रवर्ती का भी साथ दिया। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।